दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है टाइपिंग करते टाइम आप लिखते हो कुछ और आपका लिखाता है कुछ और। तो ये प्रॉब्लम अगर आपका एंड्रॉइड फोन के कीबोर्ड में हो रहे हैं तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करने बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों कीबोर्ड के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉइड फोन के आपको कीबोर्ड को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप की मदद से ही कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं मेरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिले, देख सकते हैं सेटिंग्स का सिंबल, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं सेटिंग्स का सिंबल तो यहाँ पर आपको देखने को मिले, देख सकते हैं कॉमा वाला बटन, इस पर आपको क्लिक एंड होल्ड करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सेटिंग्स का सिंबल। यहाँ से भी आप सेटिंग्स पे जा सकते हो और ऊपर वाले सेटिंग्स का सिंबल से भी आप सेटिंग्स पे आप जा सकते हो। तो यहाँ से ही मैं चले जाता हूँ सेटिंग्स पे। तो देख सकते हैं मैं सेटिंग्स पे आ चुका हूँ। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिले, देख सकते हैं टेक्स्ट कोरेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिले, देख सकते हैं ऑटो करेक्शन, इसको आपको ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिले, देख सकते हैं डबल स्पेस फुल स्टॉप, इसको भी आपको ऑफ कर देना है। और नीचे पे आपको देखने को मिले दो ऑप्शन, तो इन दोनों को भी आपको ऑफ कर देना है। स्पेल चेक, इसको भी आपको ऑफ कर देना है और ग्रामर चेक, इसको भी आपको ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक करना है और इसके बाद से अपने एंड्रॉइड फोन के कीबोर्ड से आप जो भी टाइपिंग करोगे वही आपका टाइपिंग होगा। तो यहाँ से भी बैक कर लेता हूँ। तो इस तरह से कीबोर्ड के इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ घंटी का बटन है उस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए तब मिलता है अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।